हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डीवी ब्यूटी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ DIY टोनर, जो कि दो ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। पहला है नीम की पत्तियाँ और दूसरा है लेमन यानी कि नींबू। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और ये आपके, अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा ये आपके लिए काम करने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि नीम में कितने सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे एक्ने को छूमंतर कर देगा और इनसे हमें छुटकारा बहुत ही जल्दी दिला देगा। और आपको अगर इसके जो पिंपल और एक्ने के जो निशान होते हैं, उनसे भी छुटकारा दिलाएगा। साथ में ये हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, उसको भी ये बहुत जल्दी रिमूव करता है। ये DIY जो टोनर है बहुत ही अच्छा है, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीम की पत्तियाँ लेंगे, ये थोड़ी सी ड्राई है, आपको फ्रेश मिल जाए तो आप वो लीजिए। और उसको हम क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो भी डर्ट होगी और कुछ भी होगा वो उसको रिमूव कर देगा। तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम एक तपीला लेंगे, उसमें हम एक ग्लास पानी ऐड करेंगे और फिर ये जो भी हमने वॉश की हुई जो नीम की पत्तियाँ हैं उसको डालेंगे और उसको हम अच्छे से 5 मिनट तक बॉइल करेंगे। हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए। जो टोनर हम बना रहे हैं वो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें अगर ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है और जो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये पानी का कलर चेंज हो गया है और ये पानी का जो वो था लेवल, वो भी कम हो गया है। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, इसको हम छान लेंगे। और ये अब इसमें हम आधा लेमन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो इसकी मैं यहाँ 2 से 3 ड्रॉप ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बाद एक स्प्रे बॉटल लेंगे और उसमें हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो हम इसमें जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसमें स्टोर कर लीजिएगा और अच्छे से डाल लीजिएगा। मुझसे गिर गया है थोड़ा सा। तो ये हमारा टोनर बनके रेडी है। तो देखा आपने कितना इजी है टोनर बनाना। तो जब भी आप इसका यूज़ करें तो इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। ये टोनर बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको दूर करेगा, उसके जो निशान हो जाते हैं उसको भी मिटाएगा। तो जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद इसका यूज़ कीजिए, 2 मिनट रखिए और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।